सिवनी नर्स एसोसिएशन ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया और वहीं कांग्रेस और विभिन्न संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया। सिवनी जिले में नर्स एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जन आंदोलन किया। बता दें कि नर्सों के इस आंदोलन का कांग्रेस पार्टी के साथ विभिन्न संगठनों ने समर्थन किया। वहीं नगरवासियों ने भी जगह जगह पर नर्सों को प्रोत्साहित करते हुए उनका समर्थन किया और पानी के पाउच के साथ स्वल्पाहार वितरित किए। इस दौरान नर्सों ने कहा कि देश के सभी प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में नर्सों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस कारण हम आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अर्जुन कटोरिया ने नर्सों को आश्वासन दिया है कि वे स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराएंगे। साफ सफाई ये लोग करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं संगठन वाले इनकी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए, ऐसे साधन हम मांगते हैं। धन्यवाद। क्षेत्रीय विधायक मुनमुन राय जिसने जिला चिकित्सालय में एक डेढ़ महीने तक अपनी सेवा दी है, ऑक्सीजन जुटाया है, हमारे नागरिक मोर्चा के साथियों का भी हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उन्होंने भी ऑक्सीजन मशीनों को उन लोगों को दी है, तो जिन जिन का भी उनका सहयोग रहा है, वो केवल एक स्टाफ में पूरे जिले में जहाँ जहाँ रहते हैं उनके पास जो समस्या जाती है सबका निराकरण करते हैं और कर्मचारी अधिकारी के हित में पूरा वो काम करते हैं, सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, उनसे वही हमारे परम श्रद्धेय और यहाँ के लाडले विधायक रूप में माने जाते हैं। हम विधायक कम उनको मानते हैं, हमारे मुनमुन भैया के नाम से पता नहीं करता, जो कि हम 7 से 8 नाइट ड्यूटी करते हैं उसमें भी हमें कोई रात्रिकालीन भत्ता नहीं मिलता, डॉक्टरों को रात्रिकालीन भत्ता, जबकि डॉक्टरों को एक दिन की नाइट का भी रात्रिकालीन भत्ता मिलता है। इस तरह से हमें नाइट अनाउंस चाहिए। स्टाफ सर इतनी सारी जगह से बाहर है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं, सब लोग 4 से 5 हजार रुपए का रेंट दे के अपना मकान, सरकारी क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, सरकारी क्वार्टर के लिए की जो अध्यक्ष है हमारी रेखा परमार जी, उनने सरकार को पहले ही ज्ञापन 28 तारीख को सौंप दी थी कि आप 28 तारीख को हम सामूहिक आपको हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको अलर्ट करने के लिए आप हमारी मांगों पे ध्यान दीजिए, पर सरकार ने मांगों पे ध्यान नहीं दिया, तो 1 तारीख से हम सभी एमपी के स्टेट सर हमारे प्रति उदासीनता ही कहलाएगी और क्या, इतना कुछ होने के बाद भी अगर हमारे ऊपर ध्यान दें, जबकि सर 2 लहर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से पूरी रात ड्यूटी करके निभाई, अब हम तीसरी लहर आने के पहले ये उनको कह रहे हैं, तो सुन ले, उत्तराखंड के ग्रेड पे को देखेंगे तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में 1200 रुपए का अंतर है, केरल और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो उसके ग्रेड में 1800 रुपए ग्रेड पे का अंतर है, मध्य प्रदेश और केरल में 1200 रुपए का अंतर है, इसी प्रकार हैदरा और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो फिर 1800 रुपए के मतलब का मतभेद है इसमें भी, फिर मध्य सर पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में देखेंगे तो इसमें भी जो ग्रेड पे का है वो 1800 का है, इसलिए हम लोग सब राजस्थान की बात करेंगे वहां पर भी 1800 का, इसलिए हम सब बहने चाहते हैं कि हमारे साथ ये भाई एक वर्क एक एक काम एक जैसे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर बार में कहते हैं कि एक राष्ट्र और एक समानता की बात करते हैं, तो फिर ये तो बड़ी ये ऐसी सेवा जो कर रही हैं हमारी बहनें कि इस समय जब कोरोना काल के समय हमने जो देखा और सुना भी है कि पूरा काम तो इन लोगों ने किया है, मात्र मैं सभी का जितने जो हैं डॉक्टर सभी का सम्मान करता हूं, मेरे परिवार में भी 60 डॉक्टर हैं, लेकिन हकीकत जो है वो ये सही है कि जितनी भागदौड़ जितना जो करना मेहनत करना तो ग्राउंड स्तर पर तो ये सब पूरा नर्सेस ही करती है ना, तो इनको